एक एक सीन है शक्ति फिल्म में शक्ति मूवी आपने देखी होगी अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार का आमने सामने और ये उस वक्त की बात है जब दिलीप कुमार हीरो नहीं थे इज़ नॉट इन हिज पॉम्प और वो सीन ऐसा था श्वेता आप सुनिए वो अमिताभ बच्चन को बुलाते हैं उनके पिताजी जो डीसीपी हैं दिलीप कुमार और वो अमिताभ बच्चन कहते हैं आपने मुझे बुलाया तो दिलीप साहब फाइल साइन कर रहे हैं पीले रंग का उन्होंने स्वेटर पहना वो कहते हैं हाँ विजय तुम्हारी माँ कह रही थी तुमने होटल शहजान में नौकरी कर ली तो है बच्चन साहब कहते हैं जी अरे भाई कमाल करते हो अगर कोई उनकी आवाज या उस सीन को इनैक्ट कर सकता है तो प्लीज स्टेज पर आइए अगर आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते कोई बात नहीं मैंने भी हिम्मत की है मुझे पता है कि मैं भी अच्छा नहीं कर पाया दिलीप साहब की है कोई कोई भी नहीं है दिलीप साहब दिलीप है अच्छा मीना कुमारी जी की फेवरेट फिल्म आप लोगों की किसी को पाकीजा, पाकीजा। आपको पाकीजा की कहानी मालूम है सर वो पाकीजा की कहानी सुनाइए आप दरअसल पाकीजा की कहानी पे ही एक पूरी किताब लिखी जा सकती है पाकीजा के बनने की पूरी कहानी पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है दोनों आ, आ, कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने चांद देखते हुए एक दूसरे के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए और कसम ली कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे और इसके लिए तुम जो है मीना जी ने कहा कि और इसके लिए मैं बस एक रुपये जो है मेहनत आना लूँगी और वो एक रुपये मेहनत आना उन्होंने फ़ौरन देकर उन्हें साइन कर लिया कि अब तुम मेरी फिल्म की हीरोइन रहो और ये बात है उन्नीस की ये बात है उन्नीस की जी उन्नीस सौ की बात है मैं फिर दोहराऊँगा कि मीना कुमारी और कमाल अमरोही से इतर केवल पाकिज़ा पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। आ, फिल्म शुरू हुई फिल्म शुरू हुई तब तक क्या हुआ कि आ, तो फिल्म शुरू हुई उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लिश आ, वो कलर फिल्मों का दौर चालू हो गया अब मीना जी को ये बात लगी कि फिल्म जो है वो अच्छी है कहानी अच्छी है आ, इसको आ, हम कलर में करते हैं जितनी चीज़ें बनी हुई थी उसको पूरा ख़त्म कर दिया गया फिल्म कलर में बननी शुरू हुई कलर में जब बननी शुरू हुई उसके बाद इशू ये आया कि आ, अमानुल्ला खान जो जीनेत अमान के पिता थे वो उस फिल्म के डायलॉग राइटर थे और बहुत अच्छे दोस्त थे कमाल अमरोही के लेकिन फिर मैंने कहा कि जब जो दो जीनियस एक साथ आते हैं ना तो टशल होना ही होता है अमान फिल्म से निकले अमान फिल्म से निकले उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी लिखी हुई चीज़ है, आप वापस करेंगे और उसको बाद में फिर उन्होंने दूसरी फिल्म में यूज़ किया फिर चीज़ें शुरू हुई पाकिजा को लेके। चीज़ें चल रही थी प्रोड्यूसर्स बदलते जा रहे थे क्योंकि मैं बताऊँ आपको कमाल के साथ वही मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि वो एसेंट्रिक थे इस लेवल तक कि मुझे जो है ना परफेक्शन चाहिए एक दफ़ा क्या हुआ कि उन्हें गो, आ, गो, आ, कबूतर उड़ाने थे उड़ाने थे उन्हें एक हज़ार उन्होंने एक हज़ार कबूतर के पैर में घुंघरू बांध के उड़ाए प्रोड्यूसर वहीं सो गया उन्होंने कहा ना वो कबूतर मुझे मिलेंगे ना घुंघरू मुझे मिलेंगे इतने पैसों का मैं क्या मैं कैसे खर्च करूँगा इंड पैसे खर्च खर्च होते जा रहे थे मीना जी शादी ने दोनों पर बिल्कुल अलग अलग असर किया था शादी के तुरंत बाद जो है हालांकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में होता यह है कि शादी के बाद करियर जो है हिरोइन का वो जो है जवाल पे चला जाता है मीना जी का करियर बिल्कुल उर्ज पे गया वो हर साल जो है फिल्म हिट पे हिट देती गई एक साल जो है मुझे लगता है 1961 में वो तीनों तीन नॉमिनेशन में तीनों नॉमिनेशन होने का था ये चली जा रही थी कमाल को कोई फिल्म नहीं मिल रही थी कमाल उसको लेके बहुत परेशान थे कमाल इस दर्जा परेशान थे कि फिल्म फेयर के एक एक, एक ए, 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 फिल्म फेयर शो हो रहा था उसमें मीना जी का पर्स छूट गया मीना जी आगे चली गई कमाल अमरोही ने वो पर्स नहीं उठाया कि मैं अपनी पत्नी का पर्स कैसे उठाऊंगा ये बात तो उस समय फिल्म इंडिया जो अखबार जिसके बारे में बात बता रहे थे फैजल काफ़ी बड़ा इशू बना था आ, बाद में गीता बाली ने वो पर्स उठा के फिर मीना कुमारी को दिया था तो इस तरह के टसल चल रहे थे चलती जा रही थी बात चल रही थी तब भी जो है वो रिलेशनशिप दोनों लोगों का चल रहा था चल रहा था पाकिजा बन रही थी बिट्स एंड पीसेज में पाकि कभी गाने गुलाम मोहम्मद ने गाने लिखे गाने पहले शूट हो गए फिल्म में सत्रह गाने थे जिसमें से आठ गाने चुने गए गुलाम मोहम्मद जो है फिर का उनका इंतकाल हो गया इंतकाल हो गया और फिल्म इतनी देर होती गई कि सिक्सटीज सेवेंटीज़ आते, आते आते सिक्सटीज़ आते आते शंकर जय किशन और उस तरह के सिक्सटी टू सिक्सटी में शंकर जय किशन का म्यूज़िक आ गया सारे लोगों ने कहा कि म्यूज़िक बदल दो कमाल ने कहा कि अगर गुलाम मोहम्मद जिंदा होते तो मैं म्यूज़िक बदल भी देता उनके मरने के बाद मैं म्यूजिक बदलूंगा नहीं जब वो इतने एडमांड हो गए प्रोड्यूसर ने फिल्म में पैसा देना छोड़ दिया इन्होंने कमाल कमालिस्तान जो है वो उसको गिर भी रखा मीना जी ने साइन किया ठीक है चीज़ें चलती रहीं प्रोड्यूसर आते रहे पैसा आता रहा लेकिन दिक्कत तब आई जब पिजरे का पंछी फिल्म के शूटिंग में कुछ मसाला हुआ मीना जी और उनके ड्राइवर बाकर को लेके उसके बारे में अनगिनत कहानियां हैं मैंने अपनी किताब में कम से कम आठ कहानियां लिखी हैं लेकिन जो सबसे जो कहते हैं कि कंक्रीट जिसको माना जा सकता है वो ये है कि मीना जी को बाकर ने एक थप्पड़ मार दिया था और मीना जी ने फिर वहाँ से कॉल किया था कमाल को कि आप आके यहाँ डिसाइड करके बताओगे कि ये कौन आदमी है मुझे थप्पड़ मारने वाला कमाल चुकी वो बहुत उस तरह के आदमी थे उन्होंने कहा कि आप घर आओ और घर की बातें घर में होंगी मीना जी ने वहीं कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी और मीना जी ने वो बात अपने मरते दम तक निभाई जो उस पिंजरे के पंछी के सेट पे उन्होंने कमाल अमरोही का घर छोड़ा वो कमाल अमरोही के घर फिर दोबारा नहीं गई मरते दम तक जब उन्होंने फ़िल्म छो अमरोही का घर छोड़ दिया ज़ाहिराना जो है फिल्म लेट होती गई एक समय ऐसा आया सेवेंटी वन तब तक आप समझें कि फिल्मों में हीरोइन का दौर बिल्कुल बदल गया था शर्मिला टैगोर आ गई थी जिन्होंने बिकिनी सीन दे दिया था तनुजा आ गई थी जिन्होंने फिल्म में मतलब बेबी डॉल का बिल्कुल कल्चर ला दिया था उस और मीना के मीना के समय की जितनी भी हीरोइंस थी वो उन्होंने धीरे धीरे फिल्में छोड़ दी थी, थी जी तो वह तो, सोलह साल लग गए थे जी 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 सोलह साल लग गए थे पाकिजा जब सोची गई और क्योंकि दोनों के बीच इतने डिफरेंसेस थे और जब पाकिजा रिलीज हुई उसके कुछ दिन बाद मीना कुमारी जी चालीस साल उनकी उम्र थी उनतालीस उन, उन, उन उन, साल उनकी लेगेसी को आप कैसे देखते बहुत मतलब उनकी लेगेसी को मैं अगर आपको बताऊं तो आप देखें कि उनके जाने के तुरंत बाद उनकी बड़ी बहन खुर्शीद से किसी ने पूछा था कि मीना uh, की लेगेसी कौन चलाएगा तो उन्होंने बताया था कि मुझे एक एक्ट्रेस uh, दिखती है uh, जो uh, आगे बढ़ा सकती है और उन्होंने जया भादुरी का नाम लिया था तब तो. और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सही नाम लिया था और Uh, उनके साथ साथ कुछ एक्ट्रेस ऐसी आई जो uh, uh, उनकी जो कहा मतलब जिस तरह से वो फिल्में किया करती थी या कहानी को समझा करती थी समझ के चीज़ों को क्या uh, बाकी की हीरोइंस ने भी किया बट क्योंकि मीना जी के समय जो फिल्में बनती थी वो या तो माइथोलॉजिकल होती थी या विमेन ओरिएंटेड होती थी अब की फिल्में उस तरह की बननी भी बंद हो गई हैं तो किसी भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी uh, हिरोइन का उस उनकी मीना जी से कंपेयर कर, कर करना uh, मेरे लिहाज से सही होगा जी